आ तो भाई बेन स्टोक नजर नहीं आ रहे हो भाई। बहुत ही बड़ा मैच हुआ, टीम इंडिया जीत गई है। जी हाँ, हिंदुस्तान ने बहुत बुरी तरह फेंटा लगाया इंग्लैंड को। रांची के अंदर आपने बैच बॉलर्स की ख्वाबों को चकनाचूर करके ये सीरीज अपने नाम कर ली। वन मैन आर्मी आज प्रूव किया शर्मा जी ने के वन मैन आर्मी। और सीरीज पर भी अब भारत का कब्जा हो चुका है। रांची टेस्ट सीरीज टीम इंडिया ने अपना कब्जा जमा लिया है, शानदार जीत हासिल की। पकड़ के बजा दिया आज इंग्लैंड का भाई जान, इंडिया ने पकड़ के इनकी बजा के रख दिया इंग्लैंड वालों की। रोहित शर्मा स्टार्टिंग ऑफ एंड वंस रोहित शर्मा शुरू हो जाते हैं तो ये तो हसन अली ने भी स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जिस दिन रोहित शर्मा का दिन हो उस दिन सारे बोलर्स का दिन खराब। और इतना अच्छा परफॉर्म कर कैसे लेते हैं मुझे समझ नहीं आती है यार, वैसे इनकी इताअत देनी पड़ेगी। रोल काइंड ऑफ विन, ओके इट वाज एन इनएक्सपीरियंस साइड बट द वे दे बैटेड, कोई चांस नहीं दिया, प्रॉपर शॉटिंग खेली है। रोहित शर्मा तो लुक्ड सो ब्यूटीफुल, सो इजी, इट अपीयर्स ही हैज गॉट लॉट मोर टाइम देन द अदर बैटर्स। कप्तान रन्स कर रहा है, टीम रन्स कर रही है, बॉलिंग आउट करके दे रही है, फील्डर अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज अनस्टॉपेबल स्ट्रीक बनती जा रही है इंडिया के लिए। रोहित शर्मा ने इतना मारा है, इतना मारा है, इतना मारा है कि इंग्लैंड वालों को पानी भी नहीं दिया ना, मतलब पकड़ के उनका घंटा बजा दिया। और वो नेवर गिव अप एटीट्यूड के चलते इंडिया ने ये मैच अपने नाम भी किया, ये सीरीज भी अपने नाम। कुजादे से प्रॉब्लम आपकी हल नहीं होगी। यू नीड दिस टाइम बर्नोल मेरे भाई, पाकिस्तान से कांटेक्ट करो, ट्रक भर भर के भेजे थे भाई वर्ल्ड कप में, हो सकता है कांध बच गया। लगा ले भाई बैन स्टोक, लगा ले। तो भाई सबसे पहले वो लोग सामने आए जो हिंदुस्तान की टीम को बहुत बुरा और रोहित शर्मा को ट्रोल कर रहे थे, और स्पेशली शुभमन गिल को जो घंटा बोल रहे थे, वो लोग जरा सामने आए। तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, आज हिंदुस्तान ने भाई 3-1 से इंग्लैंड को बचा दिया भाई अच्छी तरीके से। देखिए भाई, पिछले कई टाइम से मैंने कहा था ना कि वर्ल्ड कप के फाइनल में हिंदुस्तान की किस्मत खराब थी, किस्मत ने साथ नहीं दिया, नहीं तो खेल की वजह से ऑस्ट्रेलिया जीता नहीं था। जब से वर्ल्ड कप हुआ है, वर्ल्ड कप 2023 के बाद, वनडे वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं, उसके बाद आप बताइए हिंदुस्तान लगातार सीरीज जीत रहा है। उस वर्ल्ड कप से पहले भी जो सीरीज हुई थी वो भी जीता था, और वर्ल्ड कप के बाद भी सीरीज जीता रहा है भाई। ना ऑस्ट्रेलिया कर पाई, ना न्यूजीलैंड कर पाई, पाकिस्तान को तो नाम ही नहीं लेंगे, उसको तो कंपेयर ही नहीं करेंगे भाई, उसकी औकात ही नहीं है। हिंदुस्तान लगातार कंटिन्यू 15 से 16 या 17 सीरीज जीता रहा है, लेकिन वर्ल्ड कप में भाई किस्मत ऐसी खराब हो गई हिंदुस्तान की कि खुद समझ में नहीं आ रहा था ऑस्ट्रेलिया को कि हम कैसे जीत गए भाई। अब भी ऑस्ट्रेलिया वाले बोल रहे हैं कि भाई ये जो हम जीते हैं ये किस्मत और लक से जाके जीते हैं, कोई खेल के या गेम खेल के या बॉलिंग या बैटिंग से नहीं जीते, क्योंकि भाई हिंदुस्तान की टीम को देखकर ये नहीं लगता है कि हिंदुस्तान की टीम जो है वो फाइनल में हार जाती वर्ल्ड कप में। इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस, देखिए विराट कोहली नहीं है, दूसरा नाम बुमराह नहीं था इस मैच में, केएल राहुल तो आपको पता ही है, देखे केएल राहुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी देखे इंग्लैंड को ये छोटे टेस्ट में भी फेंटा मार दिया, और इंग्लैंड वालों की हालत हिंदुस्तान ने इतनी खराब कर दी है इस टाइम कि बेन स्टोक को अब जिस टीम का सामना करना पड़ेगा 100 बार सोचेगा। और एक वीडियो बेन स्टोक की काफी ज्यादा वायरल जा रही है टिकटॉक के ऊपर, जिसने कैमरे के आगे पादा है, दो पाद मारे हैं उसने कैमरे के आगे, और आपस में ड्रेसिंग रूम में वो लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, तो बेन स्टोक ने जो है वो आके कैमरे के आगे जंप मार के जो है उसने दो जो है पाद मारे हैं, तो मेरे को लगता है कि एक कम पड़ गया उसका, 3 मारने चाहिए थे, क्योंकि भाई यहाँ पे 3-1 से इंग्लैंड हारा है। बहरहाल दोस्तों, वेल डन, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, और स्पेशली रोहित शर्मा वाकई में एक बहुत अच्छे और जबरदस्त कैप्टन है इस वक्त हिंदुस्तान की टीम के लिए। देखें रोहित शर्मा को जो हम देख रहे हैं, एशिया कप तो आप लोगों ने देख लिया था कि जीत के लाया है, और रही बात वर्ल्ड कप की, वर्ल्ड कप में भाई जितना भी याद करें उतना ही वो गम ताजा होता है। कैसे हो सकता है कि आप 10 मैचेस जीत जाते हो
और लास्ट का मैच जो है वो आप हार जाते हो। तो कोई बात नहीं भाई, रोहित शर्मा ने वहां पे भी प्रूव किया था कि वो एक अच्छे कैप्टन है, और सीरीज में भी जब से वर्ल्ड कप गया है उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया की बजाई आप देख, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, इंडिया ने जो घंटा बजाया है जो है वो इंग्लैंड का पकड़ के, उसके ऊपर आप पाकिस्तान में अगर आप बात करते हैं तो स्टिल इवन के पाकिस्तान में चल तो पीएसएल रहा है, पीएसएल को ट्रेंडिंग में होना चाहिए, लेकिन इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जो है ट्रेंडिंग के ऊपर कर रहा है, चल रहा है। शोएब अख्तर ने तो बड़ी जबरदस्त बात भी कर रहे हैं, शोएब अख्तर ने बड़ी शॉकिंग बात की है, और देखिए शोएब अख्तर हमेशा आपको पता है कि वो मेरी तरह सच्चा बंदा है, मैं जिस तरह सच बोलता हूं उसने भी बहुत सच ही बोलना है, अगर मैंने बोलना ना कि पाकिस्तान अच्छा नहीं कर रहा तो उसने भी बोलना है कि जी पाकिस्तान अच्छा नहीं कर रहा, और वो नहीं ना कर रहा, जब आप नहीं करोगे, जब इंडिया के यंगस्टर हर जगह परफॉर्म करते हैं जाके, जब इंडिया के यंगस्टर्स ने इंग्लैंड की बैस बॉल को बजा दिया पकड़ के, बैस बॉल का छनकना बजा दिया पकड़ के, तो ऑब्वियसली फिर हर बंदा बात तो करेगा ना, फिर पाकिस्तान में पीएसएल ट्रेंडिंग नहीं करेगी, फिर पाकिस्तान में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का टेस्ट मैच ट्रेंडिंग करेगा। शोएब अख्तर ने बड़ी जबरदस्त बात किया, शोएब अख्तर ने बोला है कि इंडिया के यंग लॉट अगर इस टाइम बिग स्टेज पे आके परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो उसका क्रेडिट सारा का सारा इंडिया के पीछे वाले स्ट्रक्चर को जाता है, कि जिधर से उन जिस स्ट्रक्चर से उनका वो बंदा निकल के आता है, उनका जो प्लेयर निकल के आता है ना वो बड़ा स्ट्रांग है, उधर कोई धांधली नहीं होती, कोई परचीजम नहीं होता, उधर प्लेयर की जो है वो देखा जाता है कि ये प्लेयर एफर्ट कितनी कर रहा है, और हमारे इधर छनकने वो पर्ची चाचे मामे ताए के दोस्ती यारी कल्चर प्रमोट किया जा रहा है। अब इस टेस्ट मैच की बात करें तो इंडिया ने 3 एफए सीरीज को अपने नाम कर ले, मुबारकबाद हो, यही इंग्लैंड की टीम हमें अपने घर के अंदर 3-0 से हरा के गई थी, 3-0 से अब हम हारे थे, तो क्या डिफरेंस क्या आता है? डिफरेंस यही आता है कि हमने बनाई फ्लैट विकेट्स, फ्लैट विकेट्स के ऊपर हमें डोमिनेट करना चाहिए था, सामने वाली टीम ने डोमिनेट किया, क्यों? क्योंकि हमारे पास बॉलर ही नहीं थे, हमारे पास ऐसे आउट क्लास बॉलर नहीं थे, हमारे पास अश्विन नहीं था, हमारे पास जडेजा नहीं था, हमारे पास कुलदीप यादव नहीं था, हमारे पास अक्षर पटेल नहीं था, हमारे पास बुमराह नहीं था, हमारे पास सिराज नहीं था, हमारे पास इन जैसे बॉलर नहीं थे, अगर हमारे पास इन जैसे 3 भी बॉलर होते तो हम डोमिनेट करते, क्यों? क्योंकि आप देखिए पाकिस्तान का पिछले सईद अजमल, अफरीदी और हफीज के बाद से हमें कोई स्पिनर मिला ही नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा स्पिनर आया ही नहीं है। मैं नवाज और शदाब खान बेशक स्पिन करते हैं लेकिन ये मैं इनको प्रॉपर स्पिनर नहीं मानता, प्रॉपर स्पिनर था सईद अजमल, उसके बाद हमें वो मिल ही नहीं रहा, अबरार अहमद एक बॉलर आया बस, सिवाय उसके कुछ है ही नहीं, वो भी खेलता बड़ा कम है, तो वही मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि हमने फ्लैट विकेट्स बनाई कि हम डोमिनेट करेंगे, लेकिन वो हम पे उल्टा पड़ेगी क्योंकि उन्होंने हमें मार मार बुरा हाल कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया जब फ्लैट विकेट बनाता है तो उनको फायदा होता है क्योंकि जो उनके बॉलर्स हैं वो बड़े खतरनाक है, लेकिन लाजमी नहीं होता कि इंडिया हमेशा फ्लैट विकेट बनाए, इंडिया ज्यादातर कोशिश करता है टेस्ट मैचेस के अंदर रैंक रनर्स बनाए या ऐसी पिच बनाए जिसपे स्पिनर्स को भी मदद मिले, जिसपे फास्ट बॉलर को भी मिले और बल्लेबाजी भी हो, और वो आजकल ऐसी पिचेस बनाने लग गए कि उनकी टीम को सूट भी कर रही है, उनके बॉलर्स को सूट करती है, उनके बल्लेबाजों को सूट करती है।